बीजेपी के नेता एमजे अकबर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब करीब 20 महिला पत्रकारों ने पूर्व मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए, जिसके बाद चारों तरफ से दबाव बना तो एमजे अकबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वाराणसी में मनाए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस की बुकलेट पर एमजे अकबर अब भी मंत्री बने हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस की रविवार को शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 85 देशों से एनआरआई आए हुए हैं और इन सभी प्रवासी भारतीयों को आयोजकों की तरफ से एक बुकलेट बांटी गई। इस बुकलेट पर पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का फोटो भी छपा हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि एमजे अकबर ने मी टू अभियान के दौरान लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दबाव में आकर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस दौरान केंद्र सरकार में इस मंत्री की हर तरफ तीखी आलोचना भी हुई थी। आपको बता दें कि 2016 में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री का पदभार संभाला था। यौन शोषण के सभी मामले तब के हैं जब एमजे अकबर पत्रकार हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी। बीजेपी के नेता एमजे अकबर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब करीब 20 महिला पत्रकारों ने पूर्व मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए, जिसके बाद चारों तरफ से दबाव बना तो एमजे अकबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वाराणसी में मनाए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस की बुकलेट पर एमजे अकबर अब भी मंत्री बने हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस की रविवार को शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 85 देशों से एनआरआई आए हुए हैं और इन सभी प्रवासी भारतीयों को आयोजकों की तरफ से एक बुकलेट बांटी गई। इस बुकलेट पर पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का फोटो भी छपा हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि एमजे अकबर ने मी टू अभियान के दौरान लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दबाव में आकर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस दौरान केंद्र सरकार में इस मंत्री की हर तरफ तीखी आलोचना भी हुई थी। आपको बता दें कि 2016 में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री का पदभार संभाला था। यौन शोषण के सभी मामले तब के हैं जब एमजे अकबर पत्रकार हुआ करते थे। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी।